नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्याणी बोंद्रे एक शास्त्रीय गायिका हूँ और आज राग यमन के बारे में आपको कुछ बताऊंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि राग यमन एक बहुत ही खूबसूरत और मीठा राग है जो रात के समय गाया बजाया जाता है। इसमें तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है, अन्य सभी स्वर शुद्ध हैं। तो आइए राग यमन का आरोह और अवरोह आपको सुनाती हूँ। आरोह अवरोह के साथ राग का जो चलन होता है, जिसमें कुछ खास स्वर समूह या फिर स्वर संगति का प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से राग का मूल स्वरूप या उसकी खूबसूरती और ज्यादा निखर के सामने आती है, वो चलन राग यमन का आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। राग यमन में एक बहुत ही प्रचलित बंदिश सुनाती हूँ। राग यमन एक बहुमुखी किस्म का राग है, जिसकी वजह से इसमें शास्त्रीय ख्याल या बंदिश के साथ साथ भजन, गजल या कई सारे फिल्मी गीत भी आपको सुनने को मिलते हैं। तो आइए राग यमन में एक फिल्मी गीतों की मेडली आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। चंदन सबदन चंचल चितवन धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, वो निगाहें मिलाने को जी चाहता है, दिलो जा लुटाने को जी चाहता है, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात, इस मोड़ से जाते कुछ सुस्त कदम रसते, कुछ तेज कदम आए नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही बह जाएगा।
यमन को राग कल्याण भी कहा जाता है, लेकिन जब यमन कल्याण कहा जाए तो वो एक अलग राग है जिसका स्वरूप पूरी तरह राग यमन जैसा ही है और उसका चलन भी राग यमन जैसा है, जिसकी वजह से उसका अलग से परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन राग यमन कल्याण में तीव्र मध्यम के साथ साथ शुद्ध मध्यम का भी प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से उसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। तो राग यमन कल्याण में तुलसीदास जी का एक भजन सुनाती हूँ। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंज आरुणम। इसी में एक बहुत ही खूबसूरत भजन है, आज जानी की जिद न करो यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जानी की जिद न करो। तो आशा करती हूँ कि आपको राग यमन का ये छोटा सा परिचय पसंद आया होगा।